ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा डाउनलोड हो गया, अच्छा ठीक है, बाद में ट्राई करना। अब रहने तो क्या चल रहा था हम लोग का, लॉग टेबल। तो देखिए लॉग टेबल में बेस को फिक्स रखना पड़ेगा। जैसे टेबल जब बनाएंगे किसी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए, तो बेस क्या रहेगा, वेरिएबल या फिक्स्ड? फिक्स रहेगा, ठीक है। तो जो लॉग टेबल आप लोग यूज करते हैं उसमें बेस क्या रहता है, 10 रहता है। तो जो भी हम लोग लॉग टेबल आज देखेंगे उसमें बेस 10 रहेगा, ठीक है, कॉमन लॉग इसको बोलते हैं। अब आप देखिए लॉग 1 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, लॉग 1 बेस 10 का वैल्यू 0 होगा। 10 का पावर क्या दे कि वैल्यू 1 हो जाए, तो 0 होगा। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है क्या, सब नहीं बोल रहा है? हाँ, अब ऐसा नहीं कि लॉग समाप्त कर दें और फिर इसका वैल्यू पूछे तक बोलिए कि पता ही नहीं इसका वैल्यू, ठीक है। लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, 1। लॉग 100 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है। ये जो नंबर है ना 10 का, परफेक्ट पावर वाले नंबर है। अब कोई कहे कि लॉग 55 का वैल्यू क्या होगा बेस 10, तो क्या होगा बोलो, इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर होगा लेकिन इतना बोल सकते हैं ना 1 से 2 के बीच में होगा, बोला जा सकता है ना 1 से 2 के बीच में होगा। तो मान लेते हैं 1 point something होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी मान लीजिए, क्लियर है। ये टेबल यूज करके वैल्यू निकलेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ऐसे आपको बोलना होगा तो केवल आप क्या बोल सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का लॉग जो है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग 1000 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, 3। लॉग 700 कुछ भी लिख दिया, 90 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, 2 point something, 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 point XYZ मान लिया, ठीक है, क्लियर है ना। तो किसी भी नंबर के लॉग को, लॉग का वैल्यू जो है उसको दो पार्ट में देखते हैं, एक पार्ट देखते हैं जो डेसिमल से पहले है, एक पार्ट देखते हैं जो डेसिमल के बाद में है, ठीक है। इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोई कहेगा यहाँ पर एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है, 2.0 कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो डेसिमल से पहले का जो नंबर है ना उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, और बाद वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटीसा, ठीक है ना। किसी भी नंबर का लॉग दो पार्ट में होगा, इंटीग्रल पार्ट क्या कहा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल वाला पार्ट कहा जाएगा मेंटीसा, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करें, इसको फाइंड आउट कैसे करें, तो कैरेक्टरिस्टिक आप क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड है, उसके लिए कोई टेबल देखने की जरूरत नहीं है। टेबल किससे, टेबल से क्या निकालेंगे, मेंटीसा का वैल्यू निकलेगा। टेबल में केवल मेंटीसा दिया रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो क्या रूल है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट डिसाइड करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू क्या होगा। तो बोलो कितने डिजिट है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3, कैरेक्टरिस्टिक 2, इसका मतलब क्या है, 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, समझे ना। कोई कहे कि लॉग ऑफ 5, 2, 8, 3, 4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें से 1 कम कर देंगे, 4 हो जाएगा। बोलो समझा यहाँ तक कि, ठीक है, याद हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट पता हो तो कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, रिवर्स, कैरेक्टरिस्टिक पता हो तो नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालेंगे, प्लस 1 कर देंगे, समझे ना। अब है कि मेंटीसा कैसे निकाले, कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा ऑब्जर्वेशन से, मेंटीसा निकलेगा टेबल से, ठीक है। तब इसका मेंटीसा निकालना है किसी भी नंबर का, इन सब का तो मेंटीसा क्या हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, तो इसमें मेंटीसा तो नहीं। इन सभी का मेंटीसा निकालना है तो टेबल देखना पड़ेगा। तो टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, देखा है सबने टेबल तुम लोग,
जीरो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वन टू से लेकर के नाइन तक, ठीक है ना। और इसके ऊपर में एक और रो बना हुआ रहेगा मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस लिखा हुआ रहेगा। इसमें कॉलम रहेगा वन से लेकर के नाइन तक, ठीक है। और इसमें नंबर्स लिखे रहेंगे 10, 11, 12 से लेकर के 99 तक, ठीक है। जब लॉग टेबल देखेंगे बुक में तो ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा। इससे केवल क्या मिलेगा, 90 सा डेसिमल के बाद वाला नंबर मिलेगा। तो इसमें डेसिमल के बाद कौन सा नंबर आएगा उसको देखने के लिए आपको फर्स्ट दो डिजिट देखना है, फर्स्ट दो डिजिट देखना है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आपको देखना है 52 कहाँ पर है। तो मान लेते हैं 52 यहाँ पर है, फर्स्ट दो डिजिट को कहाँ पर देखना है, C1 कॉलम वन। सिंबल समझ में आएगा ना, ऐसे लिख देते हैं कि याद भी हो जाएगा। फर्स्ट दो डिजिट रखना है किस में, कॉलम में, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में 52। अब नेक्स्ट डिजिट देखना है, नेक्स्ट डिजिट कौन है, 8। इसको खोजना है TR, बोलो TR का मतलब, तो लो पढ़ा है ना, बोलो टॉप रो, टॉप रो में देखेंगे, टॉप रो में किसको खोजेंगे, 8। तो मान लेते हैं 8 यहाँ पर है, ठीक है। टॉप रो में जो 8 है और 52 फर्स्ट कॉलम में, इस दोनों के इंटरसेक्शन पर नंबर जो है उसको लिखना है। यहाँ पर जो नंबर मिलेगा मान लेते हैं 5412 ऐसा है, तो इस नंबर को यहाँ पर साइड में नोट कर देंगे 5412। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डिजिट कौन है उसमें, 3। इसको देखना है MD में, MD मतलब मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस के टॉप में देखना है, मीन डिफरेंस में मान लो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है ना। इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर नंबर मिलेगा दोनों के इंटरसेक्शन पर उस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड से, और दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5414, यही हो जाएगा 90 सा, ठीक है। टेबल में डेसिमल नहीं दिया हुआ रहेगा, डेसिमल आपको खुद देना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे ऑब्जर्वेशन से 4, डेसिमल देंगे हम 90 सा लिखेंगे टेबल से। टेबल में हाँ नहीं, जीरो नहीं होगा डिफरेंस, जीरो में क्या है ना, कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो, इसीलिए उसका वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ जीरो कॉलम बनाते भी ना तो वहाँ पर वैल्यू जीरो लिखते तो कोई फायदा नहीं था, ठीक है। क्लियर है बच्चों, हाँ बोलो, हाँ समझा ना, अभी 3-4 बार रिपीट करेंगे आपको, याद जब तक याद नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए लिखने नहीं दे रहे हैं, बाद में नोट भी करा देंगे। नोट कितना होगा, 4-5 पेज कितना होगा, हाफ पेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए नोट के लिए चिंता मत कीजिए। पहला दो डिजिट को कहाँ पर देखना है, फर्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट डिजिट को टॉप रो में, फिर नेक्स्ट डिजिट को मेन डिफरेंस, बस यही मेथड है। या तो क्या, फर्स्ट दो डिजिट को फर्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट डिजिट टॉप रो, और नेक्स्ट डिजिट मेन डिफरेंस। टॉप रो और मेन डिफरेंस के वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो यही हो जाएगा 90 सा, ठीक है। डेसिमल आपको खुद देना पड़ेगा, और दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो ये कंप्लीट लॉग हो गया इसका। अब एंटी लॉग टेबल से जब वैल्यू निकालेंगे तो फिर यह मिल जाएगा, समझे ना। जैसे साइन 30° इक्वल टू 1/2, अब कहा जाए कि साइन का वैल्यू 1/2 कब होगा, तब रिवर्स करना है, माने इसका लॉग का वैल्यू दी, इस नंबर का लॉग निकालना है तो लॉग टेबल से यह मिलेगा। अब इसको डिलीट कर दिया जाए, कहा जाए कि यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसका लॉग यह होगा, तो किस टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग में। एंटी लॉग का टेबल देखने का भी रूल लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा देर के बाद उस पर आएंगे। एंटी लॉग का भी रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फर्स्ट कॉलम में कितना डिजिट, 2 डिजिट, नेक्स्ट डिजिट टॉप रो में, और नेक्स्ट डिजिट मेन डिफरेंस में, ठीक है, क्लियर लगभग से। अब इसके बाद भी डिजिट है, इसके बाद भी तो डिजिट है,
तो वह सब नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह टेबल बनाने वाला ना चार डिजिट का ही बनाया है। इससे आप फोर डिजिट का लॉग ही दे सकते हैं, फोर डिजिट नंबर का ही लॉग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद के डिजिट में भी लगभग क्या हो जाएगा, इसी के बराबर, उतना नेगलेक्ट कर देंगे, सम इधर रहेगा, ठीक है। फोर डिजिट तक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, उसे भी कुछ इरर होगा, कुछ टेक्निकल इरर होगा लॉग टेबल बनाने में, लेकिन उसके बाद का जो डिजिट है उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। याद हो गया? हाँ बोलो सर। हाँ पटेन से, हाँ सर, मान लीजिए वो लॉग टू का वैल्यू, हाँ अब आ रहे हैं उस पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। हमको चाहिए पहला दो डिजिट, दो डिजिट को देखना है C1 में। अब मान लो आपको कैलकुलेट करना है लॉग टू का वैल्यू। आइए, टेबल को कितना चाहिए डिजिट? चार। टेबल को डिजिट चार चाहिए, तो पॉइंट दे दो, चार जीरो दे दो, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है? जैसे बात क्लियर है? अब बोलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलिए कितना होगा? वन। एक ही डिजिट है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा इसका वन। वन के बाद पॉइंट आपको खुद देना पड़ेगा, टेबल आपको नहीं बोलेगा पॉइंट दो, आपको खुद देना है। नहीं बच्चे, नंबर ऑफ डिजिट कितना है? एक। अच्छा, वन माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। टू में से वन कर दिए हम लोग, माइनस वन, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। कैरेक्टरिस्टिक हो गया जीरो। पॉइंट, अब पहला दो डिजिट, डेसिमल को अब नेगलेक्ट कर देना है। पहला दो डिजिट क्या है बोलो? 20। पहला दो डिजिट 20 हो गया ना, फर्स्ट दो डिजिट क्या हो गया? 20। तो 20 को कहाँ पर ढूंढेंगे? फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम मान लो 20 यहाँ पर है। इसके बाद का नेक्स्ट डिजिट जीरो, तो जीरो वाले कॉलम में ढूंढेंगे। यहाँ पर जो नंबर होगा उसको लिस्ट करेंगे, मेन डिफरेंसेस में नहीं होगा, जीरो होगा, तो जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा वहीं में एंटीसा हो गया, आंसर हो गया। समझाएं? क्लियर है? हाँ, मेंटिशा ही डिफरेंट होगा ना। अब देखिए इस नंबर में डेसिमल है या नहीं है? सर, डेसिमल तो इन्फिनिट है। हाँ, डेसिमल तो हर नंबर में रहेगा। लास्ट में क्या कर दीजिए? पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट जीरो जीरो, डेसिमल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेसिमल है लेकिन लास्ट में है। अब हम थोड़ा सा डेसिमल को चेंज करते हैं, 528.34। अब बोलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? टू। डेसिमल के बाद वाले डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा इसका टू। टू के बाद डेसिमल देना है, ठीक है। एक बार कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड हो गया तो फिर इस डेसिमल को काउंट नहीं करेंगे। मेंटिसा के लिए, मेंटिसा के लिए देखना है फर्स्ट दो डिजिट 52, फिर नेक्स्ट डिजिट 8, फिर नेक्स्ट डिजिट 3। तो मेंटिसा सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा, केवल क्या चेंज होगा? कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। तो यह भी एक नोट हम लोग बाद में करेंगे कि डेसिमल को यदि मूव करें नंबर में तो उसके लॉग के वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा और मेंटिसा कॉन्स्टेंट रहेगा। समझे ना? क्लियर है? तो यहाँ तक समझे कि फिर समझाएं आपको दोबारा? तो पहला रूल क्या है कैरेक्टरिस्टिक निकालने का? नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन, हाँ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन, इससे निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर मेंटिसा कैसे निकालेंगे? दो डिजिट फर्स्ट लेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर नेक्स्ट डिजिट टॉप रो में, फिर नेक्स्ट डिजिट मेन डिफरेंस। दो डिजिट नहीं अवेलेबल है तो, दो डिजिट अवेलेबल नहीं है तो नहीं बोलो बच्चे, तो पॉइंट जीरो करके दो डिजिट बना लेंगे, ठीक है ना। दो डिजिट नहीं अवेलेबल होगा तो, समझ गए? क्लियर है ना? डेसिमल के प्लेस को चेंज करेंगे, डिजिट सब सेम रखें, डेसिमल के प्लेस को चेंज करें तो कैरेक्टरिस्टिक बदलेगा, मेंटिसा सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यह जो रूल हम लोग देखे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन, यह वन से ग्रेटर नंबर के लिए, वन से स्मॉलर नंबर होगा तो रूल बदल जाएगा, लेकिन मेंटिसा के लिए रूल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यदि वन से छोटा नंबर है तो क्या रूल होगा वह देखेंगे।
तो लॉग 0.1 बेस 10 का वैल्यू कोई बता सकता है? माइनस वन। 10 का पावर क्या दे कि वैल्यू 0.1 हो जाए, तो माइनस वन हो जाएगा। लॉग 0.01 बेस 10 पर वैल्यू बोलो माइनस टू। लॉग 0.001 बेस 10 का वैल्यू माइनस थ्री। ठीक है, चलो किसी से पूछ लेते हैं। चलो तुम्हें बता दो, इस दोनों नंबर के बीच में कोई एक नंबर बोलिए, बैठ कहीं बोलो। हाँ, एक नंबर बोलिए, जैसे बोले ना 1 से 10 के बीच में कोई नंबर बोलिए, तो 7, 8। तो क्वेश्चन है इस दोनों के नंबर के बीच में कोई नंबर बोलिए। माइनस है इस दोनों नंबर के बीच में, बोलो बच्चे। 0.03 0.03 बोलो बच्चा, सही बोला है गलत बोला है? ये दोनों के बीच में है। बोलो बोलो तुम, इस दोनों के बीच में यह नंबर है या नहीं है? जीरो हाँ, तो दोनों के बीच में हमको चाहिए नंबर। इस दोनों के बीच का मतलब क्या है? कैसे नहीं है, कन्फ्यूजन होना कैसे हो गया? हाँ, 0.01 से 0.1 के बीच में एक नंबर लिखना है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा। यह सही बोला है। अरे इसमें हम 2 ऐड कर दें तो आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? आगे जाएगा, तो इससे बड़ा नंबर हो गया। हाँ, क्लियर है बच्चे? दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है ना, 1 से छोटा नंबर के लिए। हाँ ठीक है, देखो आप ठीक है यहाँ तक? चलो इस दोनों नंबर के बीच में कोई नंबर बोलो। 0.00 इस 1 में कुछ ऐड कर दो। अरे छोटा नंबर, ये छोटा नंबर या बड़ा नंबर है? तो छोटा नंबर में माइनस करोगे तो बीच में आ जाएगा। अरे मान लो कोई क्या है कि 5 से 8 के बीच में नंबर लिखना है, तो 5 में माइनस कर देगा तो बीच में आ जाएगा। 5 में ऐड करेंगे, 8 में माइनस करेंगे। अब बहुत बड़ा नंबर नहीं माइनस कर दो, अब 5 में कहोगे 10 ऐड कर देते हैं, आगे चला जाएगा। बीच का 0.01 में ना प्लस करेंगे, 0.001 में थोड़ा प्लस करेंगे। किसे प्लस करेंगे? हाँ अच्छा आ रहा है, हाँ बोलो अच्छा। सर सेकंड वाला में ना प्लस करेंगे, 0.01 में। हाँ ऊपर वाला में थोड़ा प्लस करेंगे। अरे गधा, इस दोनों के बीच में नंबर लिखना है तो इसमें ऐड करेंगे ना। हाँ वो छोटा है। ठीक है, इतना परेशान मत करो सर। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्यों हो गया? देखो होता है, इसीलिए तो हम क्वेश्चन पूछे हैं कि इसके बीच में बोलो, तो ऐसा नहीं कि तुम ही केवल पहले कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ देखो बच्चे, ठीक है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, 7 लिख दिया। अब कहा जाए कि इस नंबर का लॉग किस दो नंबर के बीच में होगा, तो माइनस टू से माइनस वन के बीच में होगा। यही होगा ना, इनपुट इस दोनों के बीच में रखेंगे तो आउटपुट क्या होगा? इनके आउटपुट के बीच में होगा, समझ रहे हैं? तो इसका वैल्यू माइनस टू से माइनस वन के बीच में होगा, तो माइनस टू से माइनस वन के बीच में कोई नंबर बोलना है आपको। चलो तुम ही बोल दो, ग्रीन टी शर्ट, हाँ येलो टी शर्ट, हाँ यस, समझ सही बोला? बहुत लोग बोलते हैं माइनस टू पॉइंट कुछ, इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस टू से माइनस वन के बीच में, ठीक है? तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस वन पॉइंट समथिंग। हाँ कुछ नंबर लिख देते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसा लिख दिया, समझ रहे हैं? इसका वैल्यू किसके बीच में होगा? माइनस थ्री माइनस टू के बीच में। शायद रिकॉर्डेड क्लास में यह नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको छोड़ दिए हैं शायद उसमें, है क्या पता नहीं हमको, जहाँ तक तो है कि नहीं होगा। हाँ देखो बच्चे,
इसका लॉग जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो इसका वैल्यू मान लो माइनस 2.157 कुछ भी लिख दिया तो ठीक है। अब जो लॉग टेबल जिन्होंने बनाया था, जो मैथमेटिशियन जो कंस्ट्रक्ट किए थे इस लॉग टेबल का, तो लॉग हम लोग किसका निकाले थे, 52834 कुछ ऐसा था ना, 834 तो आया था 3 2 5 फोर पॉइंट हो जाएगा ना, 5414 समझे ना, यही था। तो इसको बोला गया था कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोला गया था मेंटिसा। इस वैल्यू को टेबल से आना चाहिए, टेबल से आया था, आइए वैल्यू फार्मूला से आया था, रूल से आया था, इंस्पेक्शन से, ठीक है। अब जिन्होंने लॉग टेबल बनाया था ना उनकी परेशानी यहाँ पर बढ़ गई। अब देख रहे हैं तो टेबल से यह वैल्यू मिल ही नहीं पा रहा है, समझा ना, उनका टेबल यहाँ पर गलत वैल्यू दे रहा है, आना चाहिए या नंबर, टेबल गलत वैल्यू दे रहा है। तब उनके पास दो रास्ता था, एक रास्ता था कि दो लॉग टेबल बनाए, एक लॉग टेबल वन से बड़ा के लिए और दूसरा लॉग टेबल वन से छोटा के लिए। अब वैसा टेबल वो बनाते तो हो सकता है कि बाद में जो यूजर हैं यूज ही नहीं करता, समझा ना, क्लियर है जो बोलो, समझ रहे ना। तो उन्होंने बहुत इस पर अपना अध्ययन किया होगा, रिसर्च किया होगा, और उनको क्या मिला, उन्होंने मिला कि इसको दो पार्ट में हम तोड़ दे, दो पार्ट में लिख सकते हैं ना, दो पार्ट में लिखा जा सकता है। फिर इसमें माइनस वन प्लस वन माइनस 0.2345 बोलो, एक बार वन ऐड किया और सबट्रैक्ट किए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7655 हो जाएगा। उतना जल्दी आप नहीं कर पाइएगा, वो बताएंगे हम आपको कैसे किए हैं, समझ रहे हैं, वन से इसको क्या किए हैं, माइनस किए हैं, तो वैल्यू इतना आएगा, नौ से माइनस चार होगा ना लास्ट में, कहाँ पर 7654 होगा ना, ठीक है वो सोचना, वो सही है, ठीक है उसको नहीं सोचना, ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो यह नंबर उनके टेबल में आ रहा था, समझ रहे हैं ना, उनको चाहिए था यह नंबर, लेकिन टेबल से क्या वैल्यू आ रहा था, यह नंबर, तो उन्होंने रूल में चेंज कर दिया, टेबल को चेंज नहीं किया। वो बोले कि अब इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलेंगे मेंटिसा, यही कैरेक्टरिस्टिक है यही मेंटिसा है, लेकिन लिखा कैसे जाए इसको, यह नंबर नेगेटिव है या नंबर, तो दोनों एक साथ कैसे लिखेंगे, कोई ऐसा नंबर बोलो आधा नंबर नेगेटिव हो, आधा वैल्यू उसका नेगेटिव, आधा वैल्यू पॉजिटिव हो, जैसे कहीं पर लिखा जाए -5.57 तो क्या बोलोगे, 5 नेगेटिव है 7 पॉजिटिव है, पूरा नेगेटिव है, चाहे 0.3 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे भी तो -57 माइनस क्या लिखना पड़ेगा, 0.03 ना, 0.003 ना, 0.3 हाँ 0.3 समझा ना, दो पार्ट में लिखेंगे दोनों नेगेटिव लिखेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर एक नया सिंबल बनाया, अभी तक समस्या थी उनको नया टेबल बनाना पड़ता, एक नया सिंबल बनाया, सिंबल बनाया कि इसको 2 बार लिखिए और तब उसके बाद में पॉइंट वाला नंबर इसके बाद लिख दीजिए। अभी सिंबल का मीनिंग हो गया कि केवल नेगेटिव कौन है, 2 है, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर है, समझ रहे ना। तो इस नंबर का लॉग टेबल से जब वैल्यू निकालेंगे तो यह वैल्यू आएगा, इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, इसको बोलेंगे मेंटिसा। अब इस सबको भूल जाइए, ठीक है ना, वो सबको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, यह कैरेक्टरिस्टिक है और यह मेंटिसा है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नेगेटिव है, मेंटिसा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसको जब स्प्लिट करेंगे तो -2 लिखेंगे, यह वाला पार्ट क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, समझ रहे हो। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल क्या हो गया, तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद जीरो कितना है, डेसिमल के बाद जीरो कितना है, एक, उसमें 1 और ऐड कर दीजिए, 2 और साइन नेगेटिव रखिए तो वहीं आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इसका,
वन से छोटा नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए रूल हो गया नंबर ऑफ जीरो प्लस वन, साइन नेगेटिव होगा। हाँ, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर नॉन जीरो डिजिट, साइन नेगेटिव होगा। हाँ, कंसेक्यूटिव जीरो, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ जीरो प्लस वन असाइन क्या रखेंगे, नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कहे लॉग 0.00827, तो बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री, लेकिन लिखेंगे इसको थ्री बार, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। लॉग 0.00702 बार, बोलो क्या होगा, थ्री बार ही होगा। इस इधर के जीरो नहीं काउंट करेंगे, कंजिक्यूटिव जीरो, ठीक है ना। लॉग 0.000871 फोर बार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लॉग 0.9 वन बार, ठीक है। तो यही दो रूल हो गया कैरेक्टरिस्टिक निकालने का। क्या रूल हो गया, वन से ग्रेटर नंबर के लिए नंबर ऑफ डिजिट प्लस वन, और वन से छोटा के लिए नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन, वन से छोटा के लिए, हाँ सिर्फ उतना नहीं बोल रहा है, नंबर ऑफ जीरो प्लस वन साइन नेगेटिव, ठीक है ना। और वह जो है आपको खुद ध्यान में रखना है, जीरो कौन काउंट करना है, डेसिमल के बाद अनन जीरो के पहले, नहीं जीरो को सिग्निफिकेंट जीरो नहीं बोलते हैं, यह सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट उसके पहले, नॉन जीरो डिजिट बोलो सीधा ना, ठीक है। तो याद हो गया दोनों रूल, वन से ग्रेटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे एन माइनस वन, और वन से छोटा के लिए नंबर ऑफ जीरो प्लस वन असाइन नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मैंटिसा इसका कैसे निकालेंगे, तो मैंटिसा निकालने के लिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 82 से, जीरो से नहीं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 82 से। तो 82 को कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, 7 को टॉप रो में, यहाँ 5 कर देते हैं एक नंबर, तो 5 को मेन डिफरेंस में, और सभी वैल्यू निकाल के यहाँ ऐड करके रख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, तो छोड़ देंगे, मेन डिफरेंस नहीं देखेंगे, तो 7 भी नहीं हुआ तो जीरो में देखेंगे, ठीक है ना। 7 इसके बाद तो कितना भी जीरो हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो कोई नंबर नहीं है तो 80 में देखेंगे। मान लो यहाँ पर 2 भी नहीं है तब कहाँ पर देखेंगे आप, 80 में देखेंगे। याद हो गया रूल सभी, याद तो हो गया, देखते कब तक। हाँ नहीं, नोट करा देते हैं, अभी लिख लीजिए, नोट करा देते हैं, लिखिए लॉग टेबल हेडिंग दीजिए, अब नोट कर लीजिए, हाँ नहीं कहीं भी लिख लो, ठीक है, नोट में लिखो, क्वेश्चन के बुक में लिखो। ठीक है, नोट ठीक है, लिखिए आप लॉग टेबल में, हम लोग कॉमन लॉग देख रहे हैं, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग का मतलब क्या हुआ, बेस टेन, बेस टेन, तो फर्स्ट पॉइंट फॉर नंबर ग्रेटर देन वन, और नंबर ग्रेटर देन वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स माइनस वन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नहीं लिख रहा तुम, माइनस वन, नहीं इंटीग्रल टाइप, वो है ना कि किसके रेस्पेक्ट में आप सोच रहे हैं, ठीक है,
यहाँ सिग्निफिकेंट वर्ड्स का बाल का खाल नहीं खींचना, यहाँ भावना समझना है कि भावना क्या है, समझे ना। हम लोग यहाँ पर इंटीग्रल डिजिट को सोच रहे हैं, तो डेसिमल के बाद वाला इंटीग्रल इंटीजर नहीं होगा तो उसको तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट कहाँ बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट कौन बोलेंगे जो डेसिमल से पहले है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट माइनस वन, इसको फर्स्ट पॉइंट कर दिया। सेकेंड, फॉर नंबर लेस देन वन केवल कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो जीरो से वन, लॉग में इनपुट या बेस जब भी होता है तो जीरो से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो फॉर नंबर जीरो से वन के बीच में कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज या साइफर, जीरो का दूसरा नाम साइफर्स है, तो ये जानबूझ करके एग्जाम में ना साइफर लिख देता है, काउंट नंबर ऑफ साइफर्स, मतलब नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है, नंबर ऑफ जीरोज या साइफर्स बिटवीन, कहाँ से कहाँ काउंट करना है, बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो डिजिट, समझ ना, बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक। इसको जब फार्मूला जब हम पूछेंगे ना, तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, या बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। प्लस क्या करेंगे, वन, और साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव, यहां पर माइनस देते हैं, साइन नेगेटिव, क्लियर है। अब लिखिए सेकेंड पॉइंट में मेंटिसा, मेंटिसा कैसे निकालेंगे, तो मेंटिसा के लिए एग्जांपल से दिखा देते हैं। लॉग 7253 यहां पर पॉइंट देते हैं, बोलो कैरेक्टरिस्टिक बोलिए क्या होगा, टू पॉइंट। हम मेंटिसा के लिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे फर्स्ट कॉलम में C1 में, इसको देखेंगे टॉप रो में, और इसको देखेंगे मेन डिफरेंस में, और इस दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस हो गया मेथड, कम चल जाएगा ना इससे, नहीं कम चलेगा, हाँ लिख लीजिए, मैंने समझ जाएगा, मैं आ जाएगा ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जितना एग्जांपल लिखना है, लॉग 8 का देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग 8.000 ऐसे लिख देंगे, टॉप रो, हाँ बोलिए 8.000 लॉग 8 का वैल्यू देखना है, मान लो सिंगल डिजिट है, हमको चाहिए दो डिजिट, तो 8.00 कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक बोलिए क्या होगा, जीरो। अब डेसिमल दो डिजिट कौन लेंगे, अब 80, तो 80 हो जाएगा हमारा C1, जीरो हो जाएगा टॉप रो, नेक्स्ट जीरो मेन डिफरेंस आएगा नहीं, बस यही हो जाएगा, टॉप रो ही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लॉग 0.00543, अब बोलिए, हाँ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3 बार, एक और नंबर दे ही देते हैं 8, 3 बार, ठीक है। और इसके बाद देंगे डेसिमल, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, 54 से, 54 को देखेंगे C1 में, इसको देखेंगे टॉप रो में, और इसको देखेंगे मेन डिफरेंस,
इसे मिल जाएगा मेंटीसा। समझ गया होगा ना। और एग्जांपल दे, सफिशियंट है। और मेंटीसा की कुछ विशेषता है, क्या विशेषता है? मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होगा। और डेसिमल के प्लेस को चेंज करेंगे तो मेंटीसा चेंज नहीं होगा। तो ये दो नोट लिखना है लास्ट में, नोट पहला नोट। देखिए, मेंटीसा इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। पहला नोट लिखिए, मेंटीसा इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मेंटीसा इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक क्लियर है ना। मेंटीसा इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंड नोट, मेंटीसा रिमेन्स सेम। सेकेंड रो, सेकेंड पॉइंट, मेंटीसा रिमेन्स सेम। मेंटीसा रिमेन्स सेम इफ प्लेस ऑफ डेसिमल इज अल्टर्ड। मेंटीसा रिमेन्स सेम इफ प्लेस ऑफ डेसिमल इज अल्टर्ड इन ए नंबर। इफ प्लेस ऑफ डेसिमल इज अल्टर्ड, समझ क्लियर है ना, मीनिंगफुल है ना, ठीक है। मेंटीसा रिमेन्स सेम इफ प्लेस ऑफ डेसिमल इज अल्टर्ड, नंबर विद सेम डिजिट, हाँ, इन ए नंबर विद सेम डिजिट, लिख दीजिए इन ए नंबर विद सेम डिजिट। ठीक है, अब कितने टीचर को लॉग टेबल देखने आता होगा, सच के बोलो तो, स्टूडेंट को नहीं, बोकारो में जितने टीचर हैं, कितने टीचर को लॉग टेबल देखने आता होगा, ठीक है ना, हमको डाउट है किसी को देखने भी आता होगा, ठीक है। तुम कहीं अब जा सीख लिया ना, अब तुम मत भूल जाना किसी पूछने के समय, तो जैसा बताएगा वैसे ही आप समझ जाएंगे। हम आप नहीं नहीं इस पर क्वेश्चन आएगा। अरे क्वेश्चन सेट करने वाला स्मार्ट है कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाला स्मार्ट है? सेट करने वाला। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी सेट करने वाला क्या कर सकता है? ऑब्जेक्टिव बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है? तो आएगा, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, सी लॉग टेबल आईटी में क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं लॉग टेबल कैलकुलेट नहीं, वैसा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ही नहीं कि लॉग टेबल से वैल्यू निकालो, ऐसा आएगा नहीं। इस थ्योरी पर क्वेश्चन आएगा, बता रहे हैं आपको, ठीक है, आ रहा है, पहले कंसंट्रेट रहिए जो अभी तक पढ़ाए, याद हो गया सब रूल? यस सर। हाँ, तो एक बार रिपीट करना है, वन से ग्रेटर नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल क्या हो गया? नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन। वन से स्मॉलर नंबर का कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ जीरोज प्लस वन साइन नेगेटिव, ठीक है। मेंटीसा निकालने का रूल क्या हो गया? फर्स्ट दो डिजिट सी वन में देखना है, नेक्स्ट डिजिट टॉप रो में, और नेक्स्ट डिजिट मेन डिफरेंस। तो आज दिन भर रात भर जो है ना यही सी वन टॉप रो मेन डिफरेंस, सी वन टॉप रो मेन डिफरेंस, तीन पॉइंट जो है ना आज यहाँ रटते रहना है, ठीक है। इससे क्या है ना कि लॉग टेबल भारत में लोगों को देखने आ जाएगा, और जहाँ जहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको सिखा देना है, उनको भ्रम है कि उनको देखने आता है, समझ रहे हैं। जो अच्छे टीचर उनको पता है उनको देखने नहीं आता है, आज जो अच्छे टीचर नहीं है उसको भ्रम है देखने आता है, समझ रहे हैं। आप लोगों को भी भ्रम ही होगा, लॉग टेबल देखने आता होगा पहले, ठीक है, हाँ नहीं आता था ना, तो ठीक है, तो क्लियर है। अब कोई केमिस्ट्री टीचर बोले ना कि लॉग टेबल देखने आता है, तब मेरा नाम पूछिए कि आप उनका फ्रेंड है, तो यदि मेरा फ्रेंड है तो समझिए कि हाँ देखने आता होगा, हाँ नहीं फ्रेंड होगा तो वही भ्रम में होंगे, समझ रहे। मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता है। तब एक क्वेश्चन लिखो, इफ आवाज नहीं करो बच्चे, इफ लॉग
7528 इक्वल टू 3.5121। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। ऐसे ही ठीक है, आपको प्ले विद सम क्वेश्चंस। बोलो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 3 मेंटीसा 5121, 5121 सही है ना। अब इसके बाद सॉल्व कीजिए तब समझ में आए। इफ लॉग, अब जाकर के लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के मत चेक करना कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम तो कुछ भी लिख दिए। इफ लॉग 0.005137 इक्वल टू 2.5612। If log this equal to this, find characteristic and mantissa, find characteristic and mantissa। अब सोचिए क्या करेंगे, जो सॉल्व करेगा वह स्मार्ट स्टूडेंट होगा, जो नहीं सॉल्व कर पाएगा वह स्मार्ट स्टूडेंट। वही माइनस वन और थ्री बार, वही हाँ। चलो मैंटीसा भी निकालो, 0.4388 सही। क्या करेंगे इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, क्योंकि यहाँ यह जो दिख रहा है अब वो नहीं है, यह कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा नहीं है, समझा ना, क्योंकि यहाँ का पूरा होल नंबर क्या है, यह नेगेटिव है। तो क्या करेंगे इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, माइनस टू और माइनस 0.5612, फिर माइनस टू के साथ माइनस वन करेंगे और इसके साथ प्लस वन करेंगे 0.5612। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.4388, यह हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3 या माइनस 3, अब मेंटीसा हो गया 4388, समझ आए ना। कहाँ इसमें टेबल का कहीं जरूरत नहीं पड़ा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और इसे भी स्मार्ट क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं। आपको यह बताते हैं कि हम कैसे डायरेक्ट या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, ये सब बेस्ट नंबर कहा जाता है, खड़े होंगे ना नंबर सिस्टम में बेस्ट नंबर। तो देखो जैसे जीरो के साथ, मैं 10 के पावर वाले नंबर के साथ किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, अब उसे ग्रेटर नंबर नहीं हो स्मॉलर नंबर हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक रूल है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है ना, ऑल फ्रॉम 9 निखिलम नवतश्चरमम दशतः, ठीक है, निखिलम नवतश्चरमम दशतः, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब आपको सोचना नहीं है 9-5 करना है, आप लोग सुनो पहले जो सिखा रहे थे सुनो, अच्छा लिसनर बनो। हाँ क्या बोलते हैं, आप लोग मैथ को जब ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते होंगे ना आप, कुछ 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 क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे ना आज के बाद, आप सोचिएगा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना से माइंड का अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ता है, आज के बाद आप फील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेथड आपको बताएंगे लेफ्ट टू राइट। तो बोलो 9-5 4, 9-2 7, 9-3 और लास्ट फ्रॉम 10 तो 5, यही वैल्यू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, लास्ट फ्रॉम 10। अब जैसे मान लीजिए 8000000 से सब्ट्रैक्ट करना है 512357। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, 8-5 3, लेसन 1 2, वो पता है ना कैरी करके आगे भेजते हैं एक नंबर को, तो यह हो गया 2। और उसके बाद अब क्या करना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो बोलो 8-7-6-4 और लास्ट फ्रॉम 10 3, तो हो गया आंसर, हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए 1 से सब्ट्रैक्ट करना है 0.5
5832 को, तो हम लोग क्या करेंगे 0.00040 समझे ना। इस वन को तो कैरी करके आगे भेज दिए, वन ख़त्म, तो 0. अब बोलो फिर 4168। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4388, तो वही हो जाएगा 4388। तो बेस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना हो तो फार्मूला हो गया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। लिख भी देते हैं आपको, याद भी रहे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो आपके पूर्वज इसी मेथड से सब्ट्रैक्ट करते थे, तो सोचिए आप तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। हाँ, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। निखिलम नवतश्चरमम दशतः, ठीक है। बहुत सा भूल गए मेथड्स, क्योंकि जो यूज होता है ना वो याद रह गया, और जो आपके साथ यूज नहीं हो पाता है वो भूल गए। तो ये समझे कि फिर दोबारा समझाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ log 2 इक्वल्स टू 0.3010, इफ log 2 इक्वल्स टू, देन फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 30। ये क्वेश्चन है, 2 को 30 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिजिट उस नंबर में आएगा, यह क्वेश्चन सोचिए। बोलना नहीं है, सोचना है, थ्योरी पढ़ चुके हैं, कर तो ना लॉग टेबल पर आईटी कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, लॉग का वैल्यू क्या है दे देगा, जिस लॉग का जरूरत पड़ेगा वो क्या रहेगा दिया हुआ रहेगा, और उसके थ्योरी पर क्वेश्चन रहेगा। सर उसका इंटीजर में एक डिजिट होगा, सोचो सॉल्व करो, अकेला लिखना पड़ेगा, नहीं होगा ना, भूल गए फायदा। तो बेसिक में तो भूलना नहीं है, इसीलिए बोला तो लिखना नहीं है, लिखने के बाद ही भूल जाइए तो फायदा कैसे, नहीं लिखना है सोच रहा कि नहीं लिखिए। हाँ, करो इंटू, सही तो जा रहा है, करो सही सही से निकालो, वैसे ही जाएगा। आंसर बोलो हमको फाइनल, ठीक है। तुम सोचो अपना मत होता, सोच करके लिखो, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। हाँ, नंबर ऑफ डिजिट बताना है, क्या क्या डिजिट आएगा वो नहीं बताना है, नंबर ऑफ डिजिट क्या। तो सोचा 2 को 30 बार मल्टीप्लाई करें, 10 होगा सर। यस, कैसे, तो 30 को ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग 9 आएगा पॉइंट के साइड में, तो एक प्लस करते हैं। नहीं समझ में आया आप लोगों को? यस सर। देखो बच्चे, आप मान लीजिए फ्यूचर में IAS बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, IAS बन जाते हैं, अब कोई काम है आपको करना, मान लो पोस्टमैन लेटर लाया, तो आप जाकर रिसीव करेंगे या क्या करेंगे, क्या कह रहा है, किसको दे देंगे, PA को, माने जो आपका असिस्टेंट होगा उसको जाकर रिसीव करेंगे ना, वो रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेंगे, क्या फिर रिसीव करेंगे, वो रिसीव करेंगे। तो वही है कि नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है तो आपको नहीं काउंट करना है, असिस्टेंट कौन है, लॉग को बोलो, लॉग काउंट करेगा, समझा ना, बुलाइए लॉग को, अब बोलिए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या करो,
काउंट करो, तो लॉग उसके पीछे लगा दीजिए, लॉग 2 to the power 30। समझ रहे हैं ना? अब लॉग का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो पता चला कि नकली आई एस आई है, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा? लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 30 टाइम्स लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.301, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 309, डेसिमल इधर आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना हो गया 9, और मेंटिसा कितना हो गया 0.3। तो कैरेक्टरिस्टिक गिवेन है तो नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। समझ आए ना? उल्टा तो हम लोग तो सीधा पढ़े थे, उल्टा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन होता था किसके बराबर, कैरेक्टरिस्टिक के बराबर। समझ रहे ना? तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 बोलो, समझाएं या ठीक है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, इफ लॉग टू देन फाइंड, इसको कर दो फर्स्ट क्वेश्चन। अब लिखिए सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 to the power 20। आप सोचिए बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 to the power 20, लॉग 5 का वैल्यू दिया नहीं गया है, किसका वैल्यू दिया गया है, लॉग 2 का, तो उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन देने वाला स्मार्ट ज़्यादा है, तो यह मत सोचोगे इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन सेट ही नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे? हाँ, कुछ कुछ लॉग 5 को, हाँ तो 5 to the power 20 को लेके चलेंगे ना। हाँ चलो चलो, ठीक जा रहा हो, चलो सोचो, ट्राई करो। सोचना और सही लिखना यही मूल मंत्र है सही आंसर लाने के लिए। तो सोच रहे हो ठीक, अब लिखना सही है, लॉग को अप्लाई करेंगे इसमें। हाँ चाहो तो 20 को बाहर कर दो, बाहर कर दिए। हाँ क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 कैसे लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है। 20 लॉग 5 × 2/2 कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं? अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग 10 माइनस लॉग 2। नहीं समझ में आया बात, ठीक है। अब लॉग 10 का वैल्यू टेबल से निकालोगे, 1 हो जाएगा, तो 20 × 1 माइनस, और लॉग 2 का वैल्यू 0.301। जल्दी सबट्रैक्शन बोलो क्या होगा, 699, ये हो जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 18 1 9 × 18 9 1 12 30। डेसिमल कितना स्थान खिसकेगा, 3 डिजिट बिफोर होगा ना इसमें, 1 0 से मल्टीप्लाई तो 2 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 14 ना। नंबर ऑफ डिजिट्स, क्यों 3 है, कैरेक्टरिस्टिक 13 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 14। नहीं समझ में आया, हो जाएगा बच्चों, समझाना पड़ेगा। ठीक है ना, वो पढ़े ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। वही चीज़ यहाँ पर भी है, एक ही फार्मूला हर जगह काम करता है। लॉग 2 का वैल्यू ही दिया रहेगा और आपको, बस 2 मिनट, लॉग 2 का वैल्यू ही दिया रहेगा और आपको कन्वर्ट कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए,
इफ लॉग टू इक्वल टू, इफ लॉग टू इक्वल टू 0.3010 एंड लॉग थ्री इक्वल्स टू 0.47712। ज़्यादा हो गया क्या? अब दो दो चार, टू कटा देते हैं, इतना ही रखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 7 इंटू 3 to the power 10। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 7 इंटू 3 to the power 10। ट्राई कीजिए, कई पॉइंट पूछा हो क्वेश्चन। हाँ लिखिए एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में बहुत कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या इनइक्वालिटी दोनों देखेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इनइक्वालिटीज, यहां पर एक एग्जांपल लिखेंगे एक्स क्यूब 3 to the power x एक्स टू दी पावर एक्स। इसमें कौन सा टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म है? एक्सपोनेंशियल का मतलब हुआ क्या? बोलो बच्चे, कौन सा टर्म एक्सपोनेंशियल है? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल है या नहीं है? नहीं है, वो पॉलिनोमियल है। यह क्या है? पॉलिनोमियल। और यह दोनों क्या है? एक्सपोनेंशियल। यह भी है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कोई एक्सपोनेंशियल है या नहीं है? पावर वेरिएबल होना चाहिए। बेस कांस्टेंट भी हो सकता है, बेस भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का बेस नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल का बेस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा। तो बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल, यह कंडीशन है, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रेटर देन जीरो होगा। यह एक बात ध्यान में रखना है, एक्सपोनेंशियल का बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, यह कन्वेंशन है। क्यों नहीं रखते हैं? तो मैथ की इच्छा। जैसे मान लीजिए आप वेजिटेरियन है, कोई आके पूछे आपसे नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो, तो तुम कुछ समझाओगे ना, तो वो भी तर्क देगा तुमको, वो भी तर्क देगा ना, कि समझे ना। अब हो सकता है कि आप तर्क में जीतेंगे कि हारेंगे, कि क्या नन वेज के तर्क में या वेज के तर्क में? तुम वेजिटेरियन है, बहुत अच्छा। देखो वेजिटेरियन वाला हार जाता है, वो बताएगा ना कुछ धर्मों का ऐसे ऐसे उदाहरण देगा, तो जो जो नन वेज वाला है ना, तो बहुत उदाहरण देगा कि पौधे में भी तो जीवन होता है, समझे। तो बहुत तरीक़े से आप नहीं जीत पाएंगे। हाँ वही है, तो लास्ट में आप यही बोलना होगा कि हमारी मर्जी, समझे ना। तो कोई पूछे ना एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव क्यों नहीं, नेगेटिव क्यों नहीं, तो मैथ को पसंद नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो एक्सपोनेंशियल का बेस हमेशा क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। पावर वेरिएबल तो बेस क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझे ना। IIT में सेलेक्ट होना बहुत श्योर है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है, मैंने वेरिएबल है। तो आपका बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, थिंकिंग पॉजिटिव होना चाहिए। बड़े एग्जाम का तैयारी करने चले हैं, आप बेस ही नेगेटिव रखे हैं, समझे ना। तो यह मैसेज भी देता है,
कि पावर, जब पावर का मतलब समझ रहे हैं ना, शक्ति जब वेरिएबल हो तो बेस कैसा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, स्ट्रॉन्गर रखना चाहिए, समझ रहे हैं। बोलो बच्चे, हाँ मैथ मोटिवेट भी करता है प्लस आप बनाने में इंजॉय भी करते हैं। नहीं, बहुत लोग मैथ को बोरिंग भी बोलता है, जिसको मैथ अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी। अब देखिए, अब इस फार्मूला के नाम पर बहुत कुछ नहीं है, फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, तो एक बार केवल हम रिपीट करते हैं, आप सुन लीजिए। ए टू दी पावर एम आई इंटू ए टू दी पावर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम प्लस एन, रिवर्स भी हो जाएगा, ये सब तो जानते हैं ना, लिखाने की जरूरत ही ना है ये सब। तो एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी यही है, डिवीजन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के इनसाइड पावर हो और फिर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम मल्टीप्लाइड है और दोनों को सेपरेट करना है तो ब्रैकेट दे सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। बेस यदि डिफरेंट है मल्टीप्लीकेशन में, पावर सेम है तो क्या कर सकते, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कॉमन आ जाएगा, डिवीजन अभी वही होगा, समझे ना। ए टू दी पावर एम बाई एन को क्या लिख सकते हैं, हाँ एनथ रूट ऑफ ए टू दी पावर एम, ये तो जानते होंगे ना, जो नीचे में जो पावर होता है वो रूट बन जाता है, जानते हैं ना सब, ठीक है। तो ये सब लिखाना पड़ेगा क्या, यही प्रॉपर्टी, लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो सेकेंड पॉइंट में लिखिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट, ए टू दी पावर एफ एक्स ए टू दी पावर जी एक्स क्या इंप्लाइज करेगा, बोलो, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, जब बेस सेम है अब पावर भी सेम ही होना चाहिए तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई इसमें चेक नहीं करना है, लॉग जैसा कुछ नहीं चेक करना है, जो सॉल्व कर दिया वही आंसर, ठीक। सेकेंड, ए टू दी पावर एफ एक्स इक्वल टू वन दिया हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वन जीरो ना, एफ एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्व कर देंगे, समझ रहे ना। थर्ड, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स इक्वल टू वन दिया गया हो तब सॉल्व कैसे करेंगे, यस समझ रहे हैं क्या। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर दो केस में सॉल्व करेंगे, केस वन जी एक्स जीरो होना चाहिए और चेक करेंगे कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ये समझे हो क्या किए, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो रूट आएगा इसमें रख करके चेक करेंगे, नेगेटिव वाले को लिए हटा देंगे। दूसरा केस क्या होगा सोचिए, एफ एक्स इक्वल टू वन सॉल्व कर दें तो इस इक्वेशन का रूट होगा या नहीं होगा, जैसे ऐसा देखो, x माइनस टू टू दी पावर x इक्वल टू वन, कोई कहे x इक्वल टू थ्री इसका रूट होगा या नहीं होगा, बोलो x इक्वल टू थ्री इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर थ्री रख देंगे तो यह तो वन हो जाएगा, वन का पावर कुछ भी वन, समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर है। तो इसको वन होने के लिए एक रीजन नहीं, दो रीजन है, क्या क्या रीजन हो सकता है, पावर जीरो हो जाए तब वन हो सकता है, और दूसरा कारण बेस वन हो जाए तब भी वन हो सकता है, समझे ना। इस रिजल्टेंट को वन बनाने के लिए, ठीक है ना, दो केस होगा, पहला केस होगा पावर जीरो हो और दूसरा केस क्या होगा, बेस वन हो, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे आप, समझाएं फिर। तो बस यही तीन रूल है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब लिखेंगे थर्ड पॉइंट, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, आप लॉ का डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या, आप
पहले जो सबसे फल फर्स्ट दिन दिए थे नहीं सॉल्व किए, ऊपर वाला बनाए होंगे ना, बीच में जो लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें जो है ना लॉग एक्सपोनेंशियल दोनों भाई है, मैं दोनों मिक्स हो, एक दो क्वेश्चन मिक्स होगा उसमें, तो आप वहाँ देखेंगे ना आपका दो आंसर आएगा दिया तीन रहेगा, तो यहाँ पर छूटता है ना बेस वेरिएबल है तो यह वाला छोड़ देते हैं आप, समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस एट इक्वल टू वन सॉल्व करना है, तो एक रूट होगा या दो रूट होगा निकालिए आप, नहीं अभी दो ही रूट होगा, बोलो पहला केस में क्या करेंगे, एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू एट, हम मनी मनी से बना के चेक करेंगे पॉजिटिव आना चाहिए तो पॉजिटिव आ रहा है तो यह आंसर हो गया, और दूसरा केस क्या करेंगे एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स, इसमें कुछ नहीं चेक करेंगे, समझे ना, बेस वेरिएबल होगा तो दो केस में सॉल्व करना, समझ रहे होंगे ना। थर्ड में लिखिए एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटी में क्या देखना पड़ेगा आपको कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कब चेंज होगा, जैसे साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 45 का, दोनों में ग्रेटर कौन होगा, हाँ 1/2 ना, डिनोमेटर छोटा तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो यह ग्रेटर है, समझे ना। अब लिखिए कॉस 0 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बोलो 1, कॉस 60 का वैल्यू बोलो हाफ, है ना, तो ग्रेटर कौन होगा 1, यह ग्रेटर होगा। अब यह क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन साइन साइन सेम है क्या करेंगे कैंसिल, तो 30 डिग्री लेस देन क्या आएगा, सही है गलत है, यह सही है, सही है, क्या दिक्कत है, 30 डिग्री छोटा होगा लेकिन यहाँ पर काटो तो गलत हो जाएगा ना, तो इनइक्वलिटी में फटाफट नहीं आगे बढ़ना है, हर नया क्वेश्चन में क्या सोचना है कि यह जो साइन क्वेश्चन का है वही रहेगा या चेंज होगा, तो उसके पीछे कुछ रूल होता है, ठीक है, तो सबका रूल अलग अलग होगा, तो लॉ का रूल आप जान चुके हैं, बेस वन से ग्रेटर होगा तो साइन सेम रखेंगे, अब बेस वन से छोटा रहेगा तो साइन चेंज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल में क्या रूल होगा पता है किसी को, एक्सपोनेंशियल के इनइक्वलिटी में क्या रूल होगा, अच्छा जनरली काटते नहीं है, यह काटना नहीं चाहिए, वह क्या है ना कि कॉस 0 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कंपेयर हो रहा है कॉस 60 डिग्री से, तो हम एंगल को कंपेयर करेंगे तो साइन क्या होगा, तो साइन रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा मार्क्स आया 30 डिग्री कर रहे हैं, तुम्हारा मार्क्स आया 30 और तुम्हारे दोस्त का मार्क्स आया 20, तो ग्रेटर कौन है, तो यह है, ठीक है। अब इसका ना हेड का साइज देखना है, हेड को कंपेयर करना है, ठीक है ना, किसका ब्रेन बड़ा है, हेड को कंपेयर करना है, तो क्या करो, काट दो इतना समझ रहे हैं, फिर कंपेयर करो, तो काटते नहीं है, इनइक्वलिटी से एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने में काटेंगे नहीं, सीधा जिसको कंपेयर करना है उस पर मूव कर जाएंगे, तो कहा जा रहा है कि कॉस के वैल्यू और कॉस के 60 के वैल्यू कंपेयर्ड हुआ है क्वेश्चन में, आपको कंपेयर करना है एंगल में, तो सीधा एंगल में चले जाएंगे बिना काटे हुए, हाँ देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, वह साइन रख देंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए कभी काट देते हैं, ठीक है, लेकिन काटना नहीं चाहिए, लेकिन काटेंगे भी तो क्या दिक्कत है ये, ठीक है बच्चे। तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज का रूल भी सौभाग्य से लॉग जैसा ही है, लॉग जैसा का मतलब बोलो, वन से बड़ा रहेगा साइन सेम रहेगा और वन से छोटा रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है।
क्यों ऐसा होता है? तो सिंपल रीजन है, रख दीजिए 2 to the power 5, 2 to the power 6 में बड़ा कौन होगा? 2 to the power 6, बेस को हटा दीजिए तब ग्रेटर कौन होगा? तो 6, तो सेम साइन है, तो बेस यहाँ 1 से बड़ा है। अब देखिए 1/3 square और 1/3 cube में ग्रेटर कौन होगा? यह ग्रेटर होगा, लेकिन पावर को कंपेयर करेंगे बेस को हटा करके तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो वही रूल है, बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रखेंगे, अब बेस 1 से छोटा होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो वही रूल लिखेंगे, बेस ग्रेटर देन 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी सेम, विल बी सेम, बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। हो जाएगा ना, बस फटाफट 3-4 सेकेंड में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हो गया सोल्व पाला? यस सर। इसको क्या लिखेंगे? 5 का पावर 3। पहले बेस सेम करेंगे ना, अब बेस 1 से बड़ा है तो साइन वही रहेगा। एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 2, तो एक्स बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी ओपन। यहाँ पर लॉग जैसा डोमेन का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को सोल्व कीजिए, साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस 5, एक्स को एक तरफ लाएंगे, 6x > -3, x < 1/2, तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -r, ओपन क्लोज्ड। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद अब आप IIT का सोचने का अधिकार रख सकते हैं, इसके पहले आपका अधिकार ही नहीं था। IIT के बारे में सोचिए, ठीक है। अब आज आप बोल सकते हैं कि हमको IIT की तैयारी करना है, अभी तक नहीं बोलना था। अच्छा, ग्रुप में एक फोटो भेज देंगे, शायद पुराना वाला स्टूडेंट को भेजे थे ना, एक मैथ वाला का फोटो लगा हुआ है और एक फिजिक्स वाले धागा में बंधा हुआ है, रसा में केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स सबको ही चला रहा है डंडों से। बोलो बच्चे, जिसको मैथ नहीं आता है उसको IIT होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, बिना मैथ कैसे होगा? आइंस्टीन का मैथ मजबूत था या फिजिक्स मजबूत था? ना, हाँ, मैथ बिना हो ही नहीं सकता, संभव है, कुछ होगा ही नहीं। मैथ के बिना जो है फिजिक्स का केवल डिफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जो IIT में जो मार्क्स आएगा आपका, तो मैथ में ज़्यादा आएगा या फिजिक्स में ज़्यादा आएगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा आएगा? हाँ, मैथ लो स्कोरिंग होता, लेकिन मेहनत क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैथ में करना होगा। अब देखो, कुछ आपको टास्क दे रहे हैं, ये एक तो प्रैक्टिस सीट है एक्सपोनेंशियल का, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, बहुत सिंपल सिंपल है, लॉग जैसा, उसको सॉल्व कर लेना है। एक लॉग का DPP इसी में है सेकेंड, उसको भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सुनो ठीक से, एक DPP देंगे लॉ का, एक्सपोनेंशियल का सीट, उसको सॉल्व करेंगे। और अब हम लोग शुरू करेंगे लिमिट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ सुनो, जब हम 12 का सिलेबस शुरू करें तो लॉग एक्सपोनेंशियल और लिमिट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक लेवल का, लॉग तो एडवांस लेवल का, लेकिन रेस्ट टॉपिक जो बोले या बेसिक लेवल का क्वेश्चन मिले तो बिना पेन पेपर यूज किए हुए आपको सॉल्व करने में एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। तब हम लोग जो है ना 12 का जब शुरुआत करेंगे तब एडवांस लेवल शुरू कर सकते हैं, इतना आपका स्ट्रॉन्गर रहेगा तब। तो ट्यूजडे से हम लोग शुरू करेंगे लिमिट,
लिमिट ऐसा ट्यूजडे को डेट क्या पड़ रहा है 23rd और फिर 25 को आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आप लोग दो दिन में लिमिट हो जाएगा ठीक है लिमिट हो जाएगा मॉड का वीडियो हम भेज देंगे रिकॉर्ड देख लेना ठीक है मॉड भी डिफिकल्ट है इसीलिए अभी छोड़े हुए मॉड को आपको मॉड आसान लगता होगा लेकिन मॉड डिफिकल्ट है क्वेश्चन नहीं बनेगा हाँ आपको तो आसान लेवल में कन्फ्यूजन होता है हम बात कर रहे हैं किसी और लेवल का तो वहाँ तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है अब देखो बच्चे तो लिमिट जो हम लोग देखेंगे लिमिट ये लोग पढ़ चुका है तुम लोग ना लिमिट पढ़ चुका है ना तुम लोग लिमिट क्या करें थोड़ा हाँ अभी उतना ही पढ़ना था आज जब 12 में लिमिट पढ़ेंगे हम लोग तब डिटेल पढ़ेंगे ठीक है 12 का जब लिमिट बनाएंगे ना तब उसमें ऐसा नहीं कि छोटे क्वेश्चन भी आप लिख करके सॉल्व कर रहे हैं आगे बड़ा लिख रहे हैं वो नहीं करना है तो बेसिक लिमिट जो सॉल्व कर रहे हो ना वैसा क्वेश्चन यदि मिले 12 के सेक्शन में तो क्या हो जाना चाहिए डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए तो उतना प्रैक्टिस कराएंगे आपको तो इन लोगों को फार्मूला याद है आपको नहीं है तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला सबको याद है क्या चलो पूछ ही लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री इन लोगों को ही बुला लेते हैं 12 वाले को भी 10 मिनट हाँ